हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, जो हमारा क्लास सेवेंथ का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। 5 कहता है कि शैली प्लांट्स 4 स्पेलिंग्स इन रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इन 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। ठीक है, देखिए कह रहा है कि शैली प्लांट्स 4 स्पाइलिंग में इन रो इन गार्डन में लगा रही है। सबसे पहले इस पर हम चर्चा करते हैं कि जो शैली प्लांट्स लगा रही है वो सैपलिंग इन रो इन गार्डन, 4 प्लांट्स लगा रही है, और रो कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट स्पेलिंग इज 3/4, मतलब इसमें जो डिस्टेंस है, एक यहाँ पर पौधा लगा रही है, 4 4 लगा रही है ना, 2 3 4 4, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। शैली प्लांट्स 4 स्पेलिंग इन रो हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्पेलिंग इज 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रो। देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए, फर्स्ट से लास्ट का डिस्टेंस ए पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया इस क्वेश्चन में, कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग कितना दिया है, 3/4 मीटर। 3/4 मीटर जो दिया था वो हमने लिख लिया। अब इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ देखो क्या हो रहा है, कि इसका जो गैपिंग है, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ दो, और यहाँ से यहाँ तीन गैप हो रहा है। तो इसको लिखेंगे शैली प्लांट्स, शैली प्लांटेड 4 स्पेलिंग्स इन रो, देन नंबर ऑफ गैप इन स्पेलिंग्स कितना हो रहा है, नंबर ऑफ गैप 1 2 3 गैप हो रहा है, यानी 3। अब क्या कहेंगे, देयरफोर द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट रो, फर्स्ट एंड लास्ट ना, फर्स्ट एंड लास्ट स्पेलिंग्स कितना है, गैप कितना हो रहा है, 3, और इसका स्पेलिंग्स टू एडजेसेंट एंगल के बीच में कितना दिया है, 3/4 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्ल कर दो, 3 3 जा 9/4। इसको डिवाइड करेंगे, 9 में 4 से 13 जाएगा, 2 इंटीजर 1/4 मीटर, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे कि दस द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट
स्पेलिंग्स इज टू इंटीजर 1/4 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिपका रीड्स ए बुक फॉर 1 integer 3/4 hours एवरी डे, सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days, हाउ मैनी हावर्स इन ऑल वे आर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। लिपका क्या कर रही है कि कोई बुक को डेली वो इतना हावर्स रीड कर रही है, तो सी रीड्स इंटायर बुक द 6 days, मान लो कि वो 6 days तो ऐसे ही बुक पढ़ती है, तो हाउ मैनी हावर्स इन ऑल यू आर रिक्वायर्ड बाई हर द रीड द बुक, मतलब वो टोटल कितने हावर्स बुक पढ़ रही है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो टाइम टेकन इसका जो दिया गया है उसको लिख लो, टाइम टेकन बाई लिपिका, टाइम टेकन बाई लिपिका टू रीड ए बुक कितना है, 1 integer 3/4 hours है ना, hours, ठीक है। सी रीड्स इंटायर बुक इन 6 days, 6 days पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ हावर्स टेकन बाय द टू रीड इंटायर बुक, मतलब देखो वो बुक पढ़ रही इतना हावर्स, उसको 6 days पढ़ना है, तो आपको टोटल हावर्स में बताना है, तो दोनों क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ हावर्स टेकन बाय हर टू रीड द इंटायर बुक कितना जाएगा, पहले तो 1 integer 3/4 था और 6 days पढ़ना है, इन दोनों क्या कर देगा, मल्टीपल 4 और 3 7/4 into 6, इसको डिवाइड होगा तो कटा सकते हो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यानी 21/2, इसको डिवाइड करोगे कितना जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 10 integer 1/2 आ जाएगा, यानी इतना हावर्स में क्या करेगी, बुक को रीड कर लेगी। तो लिखेंगे इस प्रकार यानी 10 द नहीं इस प्रकार 10 hours, ऐसे मान लो कि 10 half हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको 10 hours में ही कन्वर्ट कर दो, 10 hours वेयर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड बुक, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है 7 number कि एक कार रन्स 16 kilometers यूजिंग 1 liter ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग इतना लीटर्स इन पेट्रोल। देखो एक कोई कार है 1 liter में इतना चल रही है, तो इतना मतलब लीटर में कितना चलेगी, यही तो क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इन वन लीटर ऑफ पेट्रोल कार कोवर्स द डिस्टेंस कितना है, दिया है आपका 16 kilometers है, कितना है 16 kilometers, ओके। तो अब पूछ रहा है कितना में, इन 2 integer 2/4 liters ऑफ पेट्रोल कार्स कोवर्स द डिस्टेंस 2 integer 2/4 of 16 kilometers।
दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, और टू टेन बाई फोर, ऑफ का मतलब मल्टीपल, और ये हो गया 16, इसको मल्टीपल कर दो, फोर टाइम्स में, फोर टाइम्स में होगा ना, हाँ, और यहाँ पर टू नहीं है, थ्री है ना, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर भी थ्री दो तो 11 हो जाएगा, ठीक है, तो 11 से 4 से करेंगे ये 14 किलोमीटर, यानी 14 किलोमीटर चलेगी, तो लिखेंगे इस प्रकार, इन 10 द कार कोवर, लिखेंगे द कार व्हील कोवर कोवर 44 किलोमीटर्स डिस्टेंस। बहुत तेजी है, कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन दम नहीं था, बहुत तेजी था, ठीक है। लास्ट है 8 नंबर, 8 में ए में 1 2 है, बी में भी 1 2 है, तो प्रोवाइड द नंबर ऑफ द बक्स सच डैट 2/3 इंटू, इस बक्स में क्या भरेंगे कि 10/30 हो जाए, तो इस बक्स में आपको बहुत सिंपल है, इसको इसमें डिवाइड कर दो, 2 5 या 10, यानी ऊपर में 5 भर दो, ये 30 है ना, इसमें डिवाइड कर दो 10, क्योंकि 3 10 या 30 होता है, तो यहाँ बक्स में जो भी पूछता है ना, इसको डायरेक्ट इसमें डिवाइड करके वही आंसर होता है, देखो 5 2 10 हो गया, 10 3 30 हो गया। अब बोल रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म इन द नंबर ऑफ 10 इन, मतलब यहाँ पर जो नंबर लाए हो 5/10, जो 5/10 लाए हो, इसको सिंपलेस्ट करना है, यानी छोटा करना है, तो डिवाइड कर दो 5 2 10, यानी इसको सिंपलेस्ट करके 1/2 हो गया, मतलब छोटा से छोटा कर देना था इसी नंबर को। इसमें भी वही सेम चीज़ है, प्रोवाइड द नंबर ऑफ द बक्स सच डैट 3/5 इंटू डॉट डॉट 24/75, तो इसको डिवाइड कर दो, ऊपर में 8 हो जाएगा क्योंकि 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और नीचे में इसको डिवाइड करोगे तो 15 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, जो है नंबर, इस नंबर को सिंपलेस्ट कर देना है, तो 8/15 का सिंपलेस्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो कटेगा उसी को सिंपलेस्ट कर सकते हैं, तो होगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो था इस शिक्षा 2.3 का, जो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में 2.4 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।